जब रामलीला मैदान में अगस्त का महीना आ चुका था और रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन हुआ, तब आप क्या कर रहे थे? मैं भी फिर उसी समय साउथ में था और मेरे को ध्यान है कि हमने 16 अगस्त के पहले 11 या 12 तारीख को एक हमने रैली निकाली थी, बाइक रैली। उसमें बहुत खूब सारे लोगों को कॉल करके हमने साकेत मेट्रो स्टेशन से आई थिंक नेहरू प्लेस तक ले गए थे। तो उसमें फिर कॉलिंग, सबको कोऑर्डिनेट करना, बुलाना, मोटा मोटा ये काम था। फिर जब 16 अगस्त का लग गया तो उसमें इंफॉर्मेशन सेंटर बनता था, स्वाति आती थी बताती थी ये आप और स्वाति की ये इंफॉर्मेशन सेंटर है, ये पानी का सेंटर है, वॉलंटियर मैनेजमेंट है, ये क्राउड मैनेजमेंट है। तो इंफॉर्मेशन सेंटर में प्रवीण और दिनेश हमारे हेड होते थे, तो उनके साथ जिम्मेदार। बट यह कि मैं 16 अगस्त का जब एक बार हो गया एंड 16 अगस्त के बाद जब अन्ना अरेस्ट हो गए 18-19 आई थिंक दो तीन दिन बाद जब वो जेल से छूटे, फिर रामलीला मैदान हो गया, फिर मैं रामलीला मैदान नहीं गया। फिर मुझे लगा कि मेरी जो जिम्मेदारी थी इस आंदोलन को लेकर वो मैंने पूरी कर दी, अब मुझे पढ़ाई करनी है, अब मैं नहीं जाऊँगा इस आंदोलन में। तो मैंने फिर ब्रेक दे दिया और फिर मैंने सोचा कि मैं अब नहीं जाऊँगा इसमें, क्योंकि मेरी पढ़ाई बेकार हो रही है और मैं अगर पढ़ नहीं पाया तो बहुत बेकार हो जाएगा, मुझे पढ़ाई करनी है। मेरे को बार बार ये गिल्ट होता था कि मेरे माँ बाप ने भेजा है और मैं यहाँ मतलब भारत माता जिंदाबाद नारे लगा रहा हूँ, तो मुझे लगता था। और मुझे फिर ये भी था कि ये करना ज़रूरी है क्योंकि ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो समहाउ उसके एक द्वंद के बीच में ये करता था। तो फिर जब एक बार रामलीला मैदान, आई थिंक रामलीला मैदान में मैं शायद एक बार गया, उसके बाद कभी नहीं गया। और फिर ये हुआ कि अब यहाँ से तो निकल ही जाएगा, इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि अब सब मान जाएंगे, सारे लोग मान जाएंगे, सब हो जाएगा। तो फिर उसके बाद भी नहीं माने, ये बहुत सारी चीज़ें चलती रही। तो फिर मैं कभी कभी किसी मीटिंग वीटिंग में चला गया, बट एक तरीके से काइंड ऑफ कम एक्टिव रहा। फिर मुझे ध्यान है कि ये आंदोलन एक बार गया मुंबई, दिसंबर के महीने में कि यहाँ से ये जाएगा दिसंबर मुंबई में, और मुंबई में बड़ा आंदोलन होगा आज़ाद मैदान। और वहाँ फेल हो गया, वहाँ लोग ही नहीं आए। तो मेरे को ध्यान है, मैं और मेरा पार्टनर, मतलब जो मेरा अनिल रूम पार्टनर था अनिल, हम दोनों देख रहे थे टीवी और डिबेट मतलब एक तरीके से चल रही थी, और उसमें यही था कि अन्ना आंदोलन ख़त्म हो गया। मैं रोने लग गया, मेरे को इतना मतलब अंदर से मुझे लगा यार ये आंदोलन कैसे हार सकता है, इस देश के लोग इतने घटिया कैसे हो सकते हैं, इतने निकम्मे कैसे हो सकते हैं कि इस आंदोलन में नहीं गए। इस देश के लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा, अगर मुझे समझ में आ रहा है तो इस देश के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, पागल हैं सारे के सारे। मतलब मेरे मन में इतनी घृणा पैदा हुई और मैं रोने लग गया। फिर मुझे लगा यार मैं, मतलब मेरे को ध्यान था यार कि आंदोलन ख़त्म नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए आंदोलन। फिर आई थिंक उसके बाद जब ये यहाँ पे आए, और मीनवाइल बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं स्वाति के साथ थोड़ी सी जानकारी थी, स्वाति जानती थी, तो मेरे को ध्यान है बहुत सारे ऐसे प्लान किए थे, जैसे एक अन्ना चर्चा समूह बीच में चलता था कि कुछ क्रिएटिव काम करते हैं लोगों को जोड़कर जोड़ों को रखने के लिए। तो उसमें होता था कि हर आदमी अपने अपने घर पे या अपने आस पास पड़ोस में एक अन्ना चर्चा समूह चलाए, और उसमें होता था वेबसाइट के ऊपर एक कुछ लिख के देंगे और उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी है कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो सकती है, कैसे अगर स्वराज हो तो कैसे किस तरह से व्यवस्था बदली जा सकती है। तो मेरे को ध्यान है मैं यहाँ मैरोली में था, मुझे कोई जानता तक नहीं था, तो मैंने जो नीचे महाजन आंटी थी उनके घर में प्रिंटर लगा था, तो उनके पास गया, मैंने कहा जी ये मेरा एक प्रिंट कर दो। उसमें मैंने लिखा कि अन्ना चर्चा समूह में भाग लेने के लिए इस नंबर पर कॉल करें, और मैंने अपना नंबर डाल दिया। तो मैंने उनसे 100 प्रिंट लिए, और 100 प्रिंट भी उन्होंने ऐसे फ्री में कर दिया। तो 100 प्रिंट लेके फिर मैं रात में गोद वो आटे की लेई बनाई और उसको एक रख के, और फिर रात में सारे लगा दिए, 100 आसपास लगा दिए। तो मुझे कोई 20-25 कॉल आ गए सुबह तक, और मैंने सबके नंबर वंबर नोट करके फिर मैंने यहाँ पर भूल भुलैया है ये सामने, तो यहाँ पर मैंने अपना चादर लिया, चादर लेके आया, चादर बिछाया, मीटिंग यहीं करी, बुलाया, फिर वो उसके मैंने पैम्फलेट वो थे उसके प्रिंट कर लिए, वो पैम्फलेट मैंने सबको दिया, सब लोगों ने पढ़ा, चर्चा समूह की, फिर मैंने सबके नंबर लिए, और उस पर फिर से शायद एक नंबर था उसमें मैसेज भेजना, हाँ रिपोर्ट करना होता, तो कितने लोग आए, क्या कितना विषय था? क्या था, कितना कैसा, फिर मैंने पूछा उसमें से कौन कितना समय दे सकता है। तो फिर मेरे अपने नंबर से मैंने उनको रिपोर्ट भेजा, तो फिर मेरे को 2-3 दिन बाद कौसाम्बी बुलाया गया कि आप आइए, और तो फिर मैं सारा सामान अपना मटेरियल ले गया, मैंने उनको
वो पैम्फलेट तो आई थिंक प्रोबेबली पूरे दिल्ली में शायद 40 लोगों ने किया था, 40 से 45 लोगों, तो उसमें मैं भी एक था। तो सब लोग अपने अपने आइडियाज़ बता रहे थे उन्होंने कैसे कैसे किया, तो मैंने वो पोस्टर दिखाया तो साथी को बड़ा अच्छा लगा वो पोस्टर। उसने कहा हाँ ऐसे करना चाहिए और इस तरह से कर सकते हैं। तो मोटा मोटा तो वहाँ से फिर स्वाति, थोड़ा सा स्वाति के भी संपर्क में आया, तो फिर दिनेश जी और इन लोगों के साथ रहे। फिर साउथ दिल्ली की टीम बनने लगी, तो उसमें मेरे को वो कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाया, जो बेसिकली अगर किसी को फोन, बेसिकली सारे लोग वर्किंग थे, प्रवीण भी काम करता था वो जॉब में था, दिनेश जी का अपना प्रिंटिंग प्रेस का काम था तो भी बहुत बिजी होते थे, मनीष ट्यूशन पढ़ाता था तो भी बड़ा बिजी होता था, मैं बस वेला पढ़ाई करता था, तो मेरा फ़ोन हमेशा चल सकता था, मैं सुन सकता, तो उन्होंने मेरा नंबर हर जगह दे देते थे कि इसके नंबर पे कॉल करो, साउथ से जुड़ना है तो मेरे को खूब सारे कॉल आते थे। और मैं क्या करता था, एक एक व्यक्ति का डिटेल नोट करता था कौन, तो मुझे कभी उत्तर नगर से भी कॉल आ रहे हैं, कभी नजफ़गढ़ से कॉल आ रहे हैं, और मैं सबके नोट कर लेता था, तो वो एक डेटाबेस तैयार है और मैं सारा अपने वो रजिस्टर में उसमें नोट करता था। तो उस तरह से संपर्क में आने लग गए। तो और फिर मेरा ध्यान है कि मुझे याद है आई थिंक प्रोबेबली फरवरी का महीना था 2012, तो मैंने अरविंद जी का नंबर सेव किया हुआ था अपने फ़ोन में। तो एक दिन सुबह आई थिंक 10-11 बजे के आसपास उनका फ़ोन आया। अच्छा, तो मैं देखा, मैंने कहा अरविंद जी का फ़ोन, मैं उठा, सर 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 सर, तो बोले कि दुर्गेश, मैंने कहा हाँ सर, तो बोले कि आ जाओ मिलते हैं, टीम बनाते हैं अच्छी। तो मैं फिर गया, तब तक मीनवाइल ये था कि साउथ में बेसिकली सारा कोऑर्डिनेशन का काम एक तरीके से देखने लग गया था मैं, और चूँकि इतना डेटा होता था सारे, तो लोगों को लगा कि हाँ भाई ये अच्छा काम करता है लड़का, इसको कर सकते हैं। तो मैं अरविंद जी से मिलने गया, तो वो अपने कौसाम्बी में पीछे बैठे हुए थे, तो मैं सामने खड़ा हुआ, तो 5-7 मिनट तक खड़ा रहा, तो बोले हाँ बताइए। मैंने कहा जी मैं दुर्गेश, मुझे समझ में आ गया कि मुझे पहचान नहीं रहे, तो मैंने कहा जी मेरा नाम दुर्गेश है, आपने फ़ोन किया था, अच्छा 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 तुम दुर्गेश हो, बैठो बैठो बैठो। तो फिर उन्होंने कुछ बातचीत की, कुछ काम दिया इस तरह से, तो यहाँ से एक तरीके से स्टार्ट हुआ कुछ ना कुछ संगठन में काम करने का।